नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीनिंग जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज में की जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्री टाइप्स की क्लीनिंग होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में की जाती हैं, जो कि टाइप ए क्लीनिंग, टाइप बी क्लीनिंग एंड टाइप सी क्लीनिंग होती हैं। जो टाइप ए क्लीनिंग होती है, बिटवीन बैचेज आप सेम प्रोडक्ट में होती है, बिटवीन बैचेज आप लोअर स्ट्रेंथ टू हायर स्ट्रेंथ आप दिस सेम प्रोडक्ट के केस में होते हैं। यदि हम पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट बना रहे हैं, उसके बाद पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट बनाना है, तब भी हम जो है टाइप ए क्लीनिंग करना होता है हमें। और जो टाइप बी क्लीनिंग होती है, टाइप बी बिटवीन बैचेज आप डिफरेंट प्रोडक्ट के केस में होती है, बिटवीन बैचेज आप हायर स्ट्रेंथ टू लोअर स्ट्रेंथ आप दिस सेम प्रोडक्ट के केस में। यदि हम पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट बना रहे हैं और उसके बाद हमें पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट बनानी है, तो टाइप बी क्लीनिंग करनी होती है। और चेंज इन कलर इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेंथ के केस में भी हमें टाइप बी क्लीनिंग होती है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट का कलर चेंज हो रहा है, चाहे उसकी सेम स्ट्रेंथ हो, चाहे वो सेम प्रोडक्ट हो, तब भी उसमें जो है टाइप बी क्लीनिंग करना होता है। और आफ्टर एनी मेंटेनेंस वर्क रिलेटिंग प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट के केस में भी टाइप बी क्लीनिंग होती है। कभी भी कोई भी मेंटेनेंस वर्क हो गया या ब्रेकडाउन हो गई मशीन में, अगर प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आने वाला वो पार्ट है, तब टाइप बी क्लीनिंग करना होता है। और जो टाइप सी क्लीनिंग होती है, वो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट क्लीनिंग होती है व्हेन द सेम बैच इज टू बी कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम सेम बैच चलाना होता है सेम, तब उस केस में हमें टाइप सी क्लीनिंग करनी होती है। दोस्तों, आइए टाइप ए क्लीनिंग को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। टाइप ए क्लीनिंग इज आल्सो नोन एज बैच टू बैच क्लीनिंग। टाइप ए क्लीनिंग जो होती है, जैसे कि पैरासीटामोल 650 mg की कोई टैबलेट है जिसका बैच नंबर GPL01 है, और उसके बाद हमें पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट बनानी जिसका बैच नंबर GPL02 है। इस केस में सिर्फ हमारा बैच नंबर चेंज हुआ है, पैरासीटामोल की सेम स्ट्रेंथ का बैच बन रहा है, तो उस केस में टाइप ए क्लीनिंग होती है। और पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट है, उसके बाद हमें पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट बनानी है, उस केस में भी बैच टू बैच क्लीनिंग होती है, टाइप ए क्लीनिंग। इसमें क्या हुआ है कि लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ की तरफ हम गए हुए हैं, तो इस केस में जो है टाइप ए क्लीनिंग करना होता है। टाइप ए क्लीनिंग जी आल्सो नोन एज बैच टू बैच क्लीनिंग। तो दोस्तों, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि टाइप ए क्लीनिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टाइप बी क्लीनिंग क्या होती है, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। टाइप बी क्लीनिंग जो होती है, टाइप बी क्लीनिंग को हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग भी कहते हैं। जो टाइप बी क्लीनिंग होती है, उसमें जैसे कि हम पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट बना रहे हैं, उसके बाद हमें एसिक्लोफेनाक 200 mg का प्रोडक्ट बनाना है, तो उस केस में टाइप बी क्लीनिंग हुई। यहाँ पर देखिए, हमारा जो साल्ट है, जो एक्टिव मटेरियल है, वो चेंज हो गया। ये पहला हमें पैरासीटामोल 650 mg जो पहला बैच हमने बनाया उसमें लेवल क्लेम उसका है, और उसके बाद जो हमें सेकंड बैच बनाना है वो एसिक्लोफेनाक 200 mg का लेवल क्लेम है उसमें। इस केस में जो हम क्लीनिंग करते हैं, वो टाइप बी क्लीनिंग करते हैं, या फिर हम इसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग भी कहते हैं। पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट के बाद अगर हम पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट बनाते हैं, उस केस में भी टाइप बी क्लीनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, हायर स्ट्रेंथ से हम लोअर स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट के बाद हम 500 mg की टैबलेट बना रहे हैं, इस केस में जो है हम हायर स्ट्रेंथ से लोअर स्ट्रेंथ की तरफ गए हैं, इसलिए हमें टाइप बी क्लीनिंग करनी होती है। इसे हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि टाइप ए क्लीनिंग क्या होती है, टाइप बी क्लीनिंग क्या होती है और टाइप सी क्लीनिंग क्या होती है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर ऐसे ही फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।